गाइस आज के स्टूडियो में गाइस यार मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मोबाइल सेटिंग जो कि गाइस आपको अपने फोन के अंदर करना है। एंड इस सेटिंग को करते ही गाइस आपका जो फ्री फायर के अंदर पहले से ज्यादा हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे प्लेयर को जो कि गाइस उछलते कूदते फिरते एक बार में 5 से 6 ग्लोबल लगाते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे गाइस मैं आपको बोल दूं जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो लोग वन टैप हेडशॉट वगैरह मारते हैं उसमें से गाइस करीब 90% लोग जो है अपने फोन के अंदर काफी सारे सेटिंग का यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 सेटिंग, और ये जो 5 सेटिंग है ये आपको फोन में इजिली मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस इस सेटिंग से आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। बस गाइस जैसे मैं आपको बताऊंगा सिंपल सा उसी सेटिंग को और जैसे मैं आपको बोलूंगा आपको उसी तरीके से करना है। और गाइस कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई इस सेटिंग को यूज करेंगे तो क्या हमारी आईडी बैन होगी, तो मैं आपको बोल दूं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे मैं खुद इस सेटिंग को करीब 1 साल से यूज कर रहा हूं, ठीक है। चलो गाइस यहां पे हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ओके तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे जो डेवलपर ऑप्शन होता है उसको ऑन कर लेना है, क्योंकि गाइस जितने भी सेटिंग है वो आपको उसी के अंदर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस उसको ऑन करने के लिए आपको जाना है अबाउट डिवाइस पे, और गाइस यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड नंबर करके, ठीक है। ये सेटिंग आपको खोज लेना है अबाउट डिवाइस पे ही। तो इस पे जब आप लोग 7 से 8 बार टैप करोगे तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। ओके ओके तो गाइस यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला सेटिंग है उसके लिए आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन पे। तो यहाँ पे गाइस मैं ऊपर में सर्च कर लेता हूँ, अगर आपके फोन में सर्च करने का ऑप्शन नहीं है तो ये जो सेटिंग है वो आपको एडिशनल सेटिंग में मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग आओगे डेवलपर ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग खोजना है जिसका नाम है विंडोज एनिमेशन स्केल करके। देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको 3 टाइप के एक ही टाइप के 3 सेटिंग मिलेगा। आपको क्या करना है, इन तीनों सेटिंग को गाइस यहाँ पे 0.5 पे कर लेना है। आपका पहले से 1 पे या फिर 1.5 होगा, लेकिन आपको 0.5 पे कर लेना है। अब गाइस देखो इससे होगा क्या कि आपका जो है टच रिस्पॉन्स पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब गाइस देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी बटन पे क्लिक करते हैं फायर पे या फिर सिटअप पे तो वो जो है लेट से रिएक्ट करता है, तो वो वाला जो प्रॉब्लम है आपका सोल्व हो जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे जो दूसरा सेटिंग है वो है गाइस DPI, जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एंड गाइस इसके क्या फ़ायदे हैं वो तो गाइस जब आप लोग इसको यूज़ करोगे तभी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आपको सीधा सीधी बोलूँ तो भाई इससे जो है आपका हेडशॉट लगेगा। अब देखो गाइस इसको ऑन करने के लिए भी आपको आना है डेवलपर ऑप्शन पे, और गाइस यहाँ पे आओगे नीचे पे जहाँ पे हम लोगों ने किया था पहला सेटिंग उसी के आसपास आपको सेटिंग मिलेगा स्मॉलेस्ट विथ करके, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक नंबर सेट करना होता है बाय डिफॉल्ट। गाइस पहले से आपके फ़ोन में करीब 420 के आसपास होगा, तो जितना भी पहले से था आपको प्लस 100 यहाँ पे करीब गाइस आपको 520 रख लेना है, ठीक है। और गाइस मैं बोल दूँ इस सेटिंग को आपको ज़्यादा नहीं रखना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि हेडशॉट मारने के चक्कर में वो लोग इसको कर देते हैं 1000 2000, तो उससे क्या होता है कि इनका उन लोगों का फ़ोन ख़राब हो जाता है, ठीक है। इस सेटिंग का गाइस एक खराबी भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस यहाँ पे जैसे मैंने 520 किया तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरा जितना भी आइकन है वाईफाई का हो गया या फिर कुछ कोई भी चीज़ का, तो वो देख सकते हो गाइस यहाँ पे छोटा हो चुका है, ठीक है। तो इस सेटिंग को आप लोग जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपका जो फ़ोन का आइकन वगैरह होगा वो उतना छोटा होता जाएगा। इसलिए गाइस मैं बोल रहा हूँ इस सेटिंग को जो है आपको लिमिट में ही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका फ़ोन भी ख़राब हो सकता है, ठीक ठीक है समरिया। इसके बाद गाइस यहाँ पे जो हमारा तीसरा सेटिंग है वो है गाइस पॉइंटर स्पीड, जो कि गाइस आपको आपके फोन के एडिशनल सेटिंग में मिल जाएगा, या फिर गाइस सिंपली आप लोग ऊपर में सर्च कर सकते हो पॉइंटर स्पीड। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस अपना ये सेटिंग आ चुका है। तो गाइस आपके फोन में ये जो सेटिंग है यहाँ पे देखो एक लाइन दिखने को मिलेगा जो कि आधे पे होगा या फिर आधे से कम पे होगा, तो आपको क्या करना है इस लाइन को जो पूरा फुल मैक्स कर देना है, ठीक है। इसके बाद भी गाइस यहाँ पे जो नंबर 4 पे आता है वो है गाइस अपना टच एंड होल्ड डिले, ये सेटिंग भी गाइस आपको मिल जाएगा या फिर ऊपर में आप लोग सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो गाइस ये सेटिंग आ चुका है। अब गाइस इस सेटिंग पे आपको जो है 3 ऑप्शन मिलेगा, आपका पहले से मीडियम पे होगा, तो यहाँ पे गाइस क्या करना है आपको जो है इसको शॉर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मेरा ऑलरेडी क्लिक है, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं इस सेटिंग को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेटिंग को आपको शॉर्ट पे कर देना है। अब गाइस देखो इन सेटिंग से फायदा क्या होगा कि इससे जो है आप लोग इजिली ड्रैग कर पाओगे। इसके अलावा गाइस ये जो सेटिंग है आपको फास्ट मूवमेंट स्पीड वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब गाइस यहाँ पे आता है अपना सबसे लास्ट सेटिंग जो कि गाइस आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डेवलपर ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे गाइस आपको एक सेटिंग मिलेगा फोर्स 4xMSAA करके, ठीक है। यहाँ पे गाइस सिंपली हम लोग इसको खोज लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये सेटिंग आ चुका है। तो ये सेटिंग गाइस जो है आपके फ़ोन पे ऑफ होगा, आपको क्या करना है इस सेटिंग को सिंपली यहाँ से
ऑन कर लेना है, ठीक है। अब गैस इस सेटिंग से होगा क्या कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का गेम एकदम से अटक जाता है, बैक हो जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम है आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गैस यहाँ पे ये पांच सेटिंग थे जो कि गैस मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से इसमें से कुछ सेटिंग के बारे में आपको पहले से पता होगा, क्योंकि ये सेटिंग जो है काफ़ी मतलब कि ईजी है, सबके फ़ोन में मिल जाता है। और गैस इस सेटिंग से जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट गैस जैसे मैंने आपको बोला सिंपल से गैस अच्छे से देख के बस उसी सेटिंग को ऑन करना, गलती से कोई दूसरी सेटिंग को ऑन ऑफ मत कर देना, ठीक है। और गैस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया पांच सेटिंग, इसमें से सिर्फ एक जो DPI वाला था उसके अंदर थोड़ा सा खराबी है, जो कि मैंने आपको देखा बता ही दिया कि आपको जो है उसको लिमिट में यूज़ करना है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि गैस यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा। बाकी गैस अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, पार्ट टू में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी सेटिंग बताऊंगा, ओके। तो आई होप कि गैस यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टाटा, टेक केयर।